कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। आसिफ जरदारी ने जो हलफनामा दिया जो मैंने पढ़ा कि आज की तारीख में उनकी कोई बैर जायदाद या अकाउंट नहीं है, वो दुरुस्त है, गलत नहीं है, और कोर्ट ने मुस्तरद नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ इजाफी इंफॉर्मेशन मांगी है कि आज की तारीख की आप ठीक है, पिछले 10 साल की बता दें, दैट्स इट, कोई मुस्तरद नहीं किया। अरशद शरीफ ने भी जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो गलत नहीं है। अरशद शरीफ ने पहले हलफनामा दिखाया आज की तारीख में कुछ नहीं है बाहर के मुल्क में, वो भी दुरुस्त है। फिर अरशद शरीफ ने जो नामिनेशन पेपर्स दिखाए जो जुलाई में आसफ जरदारी ने एमएनए बनने के, वो भी हकायक है, उसमें एक बाहर का एक प्लॉट है यूएई का कोई 9 करोड़ के कोई उसकी मालिया, वो भी ठीक है। अब इस अरसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी आपने एक डॉक्यूमेंट पेश किया है उसमें कोई असरअंदाज नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में गलत फहमी है, कोई केस प्रेजुडिस नहीं हो रहा और कानून के अंदर सब्जुडिस मैटर डिस्कस करने पर पाबंदी नहीं है, उन चीजों को डिस्कस करने पे पाबंदी है जिससे केस प्रेजुडिस हो। एक मैटर सब्जुडिस पे अगर आप पाबंदी लगा देंगे, फैसल मुझे आप ये बताएं, अगर सब्जुडिस पे आप पाबंदी लगा देंगे 30 लाख मुकदमे 22 करोड़ की आबादी में पिछले 30 साल के दौरान पेंडिंग है, तो सारे 22 करोड़ की आवाम मुंह बंद करके बैठिए, क्योंकि सब्जुडिस से सारे मैटर ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक ट्रेंड चल पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट अब बराह रास्त जो है मीडिया कंटेंट के ऊपर एक्शन लेना शुरू हो गई है, जो मेरे ख्याल में कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के लिए। और अगर अब नई अथॉरिटी बन रही है तो मुझे बताएं जो पैमरा है, जो पीटीए है, जो प्रेस काउंसिल है, इन अथॉरिटीज के होते हुए जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं तो मुझे ये अथॉरिटी का हाल बनेगी तो बेहतरी के लिए, नहीं बेहतरी क्या होगा? अगर अथॉरिटी का हाल ये हो कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहे तो उसको याद आ जाए कि मेरे भी कानून मौजूद है, फलां सेक्शन मौजूद है, फलां क्लॉज मौजूद है। सब्जुडिस मैटर पे पाबंदी नहीं है, कानून आपको उन चीजों को जो विटनेसेस को असरअंदाज हो, जो एविडेंस को आप गलत पेश करें, किसी एक फरीक के खिलाफ विटनेसेस को बहकाएं, अदालत पे असरअंदाज हो, ये सब्जुडिस मैटर पे पाबंदी नहीं हो सकती है। ठीक है, वरना जैसे मैंने कहा 30 लाख मुकदमे पेंडिंग है, मुंह बंद करके बैठे हैं हम लोग, और जो मर्जिस जजेस जो रिमार्क्स देते रहे हैं नवाज शरीफ, इससे तो नहीं आपको अदालत ने रोका ना कि